नमस्ते, मैं हूँ कार्तिक चंद्र साहू। मैं एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल के रूप में काम करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा परंपरागत कृषि एवं देसी किस्म का संरक्षण के संबंध में। कृषि भारत की रीढ़ का हड्डी है। परंपरागत कृषि का इतिहास भारत की 10,000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। भारत की परंपरागत कृषि पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित थी। हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के समय से, जो 8,000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट पुराने, उस टाइम भारतीयों स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उपयोग करते हुए खेती कर रहे थे, जो 10,000 से अधिक वर्षों से। आज ये कृषि पूरे विश्व भर में जैविक कृषि का नाम से प्रचलित है। भारतीय वैदिक कृषि का विकास का विस्तृत वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ब्राह्मीर के बृहत संहिता, सुरपाल के वृक्षायुर्वेद एवं पराशर मुनि का जो ग्रंथ कृषि पराशर में मिलता है। 4000 ख्रीष्ट पूर्वाब्द में ऋषि पराशर ने उनका ग्रंथ कृषि पराशर में कहा था, किसानों का जीवन पूरी तरह से मिट्टी में मौजूद जीवाणुओं पर निर्भर है। लाइफ ऑफ द फार्मर्स इज स्लोली डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। वैदिक युगों में ऋषि मुनि वेद के साथ साथ कृषि का भी संपूर्ण ज्ञान रखते थे। वो वनस्पति शास्त्र में ज्ञानी थे और इस ज्ञान का उपयोग वो मनुष्य एवं पशु चिकित्सा के लिए किया करते थे। इसी कारण प्राचीन भारत में कृषि का स्थान सर्वोत्तम था। परंतु देश में पाश्चात्य संस्कृति के आगमन के साथ इस सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और कृषि कार्यों को निम्न वर्ग का माना जाने लगा। अपनी भूमि से मातृ समान प्रेम ना होने के कारण और कृषि कार्यों में गर्व का अनुभव ना होने के कारण किसान अपनी जमीन को सिर्फ एक उत्पादन इकाई मानने लगे हैं। आधुनिक किसान आज अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर अपनी मातृतुल्य भूमि का दोहन कर रहे हैं। उन्हें मिट्टी के स्वास्थ्य और पर्यावरण की चिंता नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बढ़ती आबादी एवं खाद्यान्न सुरक्षा के कारण हमारे देश में रासायनिक उपादानों का उपयोग आरंभ हो गए। सन 1965 में भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ, जिससे अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा। साथ ही अधिक उपज देने वाली किस्म का प्रयोग से हमारा देश की फसल उत्पादकता में बढ़कर दुगुनी हो गई। तत्कालीन को देखते हुए एवं अन्न की स्वनिर्भरता के लिए निश्चित ही ये आवश्यक कदम था। परंतु इनका एक विपरीत स्वरूप हमारे आज की एवं भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए नई समस्या बनकर सामने आ खड़ा हुआ है। वही समस्याओं में से एक है अधिक उपज देने वाली किस्म के विकास एवं उसके बढ़ते प्रचलनों से देसी किस्म का विलुप्त होना और जैव विविधता की ह्रास। आज के समय में कृषि वैज्ञानिकों के लिए यह समस्या एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। जहाँ तक और अधिक उपज देने वाली किस्म के उपज में स्थिरता आ गई है, वही दूसरी तरफ ऐसी किस्म का कमी होने जा रही है जो कि आज की जलवायु परिवर्तन का सामना कर सके, साथ ही निरंतर उत्पादन दे सके। इन समस्याओं का एकमात्र हल देसी किस्म का संरक्षण है, जो कि भविष्य में तैयार किए जाने वाले विभिन्न किस्म का विकास का मुख्य आधार होगी। देसी किस्म के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? देसी किस्म में प्राकृतिक रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता अधिक होता है, जैसे सूखा सहने की क्षमता, अधिक पानी सहने की क्षमता आदि। किस्मों में रोगरोधी एवं कीटरोधी गुना होती है, जिससे कीटनाशी एवं फफूंदनाशी के दुष्प्रभावों से स्वतंत्र होती है। देसी किस्मों में विभिन्न क्षेत्रीय दशाओं के प्रति अधिक अनुकूलता पाई जाती है, जिससे जिन क्षेत्रों में खेती नहीं होता है
वहाँ भी इन किस्म का खेती की जा सकती है। जैविक विधि द्वारा खेती करने पर देसी किस्म में अधिक उपज देती है। देसी किस्म में ऊर्जा से भरपूर एवं खाद में बेहतर होती है। कोई देसी किस्मों में औषधीय गुण विद्यमान होती है। देसी किस्मों के प्रति किसानों की रुचि घट रहा है। हरित क्रांति के बाद अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास के कारण कृषक द्वारा देसी किस्म की ओर से रुचि घटने लगी, जिसका मुख्य कारण देसी किस्मों में उपज की कमी थी। परंतु ये देसी किस्में आज की अधिक उपजशील प्रजातियों के जनक है। उन्हें वापस खेती में लाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से इसका पैदावार को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही बाजार की अच्छी व्यवस्था करने की जरूरत है। किसानों को देसी किस्मों के महत्व को समझने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारे 50% शेष बाची जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी भी समाप्त हो सकती है। अब हम बताएंगे अधिक उत्पादन हेतु परंपरागत जैविक विधि द्वारा देसी किस्म का खेती कैसे करें। जैसे कि पहले से ही आपको पता है, जैविक विधि द्वारा देसी किस्म का खेती कर अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जैविक विधि से खेती करने में ये सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैविक विधि में यथासंभव कम से कम जुताई की जाती है, जिससे मृदा की संरचना क्रम प्रभावित हो, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि हो, जलधारण क्षमता बढ़े एवं मृदा क्षरण का संरक्षण हो। ऐसे ऊंची क्यारी, गहरी नाली विधि, पटरी जुताई विधि, शून्य जुताई विधि आदि मृदा उपचार एवं प्रबंधन में हरी खाद का प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। जैसे धनचा, सनई, मूंग, उड़द, लोबिया आदि का प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। धारण की क्षमता बढ़ जाती है, साथ ही नाइट्रोजन का स्थितिकरण भी होता है। धान की खेत में हरी खाद के रूप में एजोला का प्रयोग भी कर सकते हैं। बहुत सारे कंपोस्ट खाद की प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि गोबर की सड़ी खाद, केचुआ खाद, नादेप कंपोस्ट आदि का प्रयोग खेत में तैयार करने के समय का। बहुत सारे तरल खाद का व्यवहार करते रहना चाहिए। जैविक तरल खाद में जैसे जीवामृत, पंचगव्य, सोशोगव्य, संजीवनी, कुनापाजला आदि का प्रयोग। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने एवं मृदा उपचार करने के लिए किया जाता है। खेत की घेराबंदी किया जाना चाहिए। खेत के चारों ओर से मेड़ों पर हल्के छायादार पौधे जैसे कि सुबाबुल, ग्लाइरिसिडिया, अगस्त आदि को लगाते हैं। ये पौधों का फसल की उच्च ताप से रक्षा करती है तथा इनका पत्तियां खेत में गिरकर मिट्टी का उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। देसी तकनीक से मृदा उपचार कर सकते हैं करंज खली द्वारा। झारखंड के जंगलों में करंज पेड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ के किसान अपने खेतों की पहले जुताई के बाद करंज खली का प्रयोग करते हैं, बाद में पटा चलाकर उसे अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी का उर्वरा शक्ति एवं नमी की मात्रा में वृद्धि और मृदा जनित कीट व्याधि से सुरक्षा होती है। हाँ किसान भाइयों, बीज उपचार करना भी बहुत जरूरी। बीज संजीवन द्वारा बीज उपचार करने से बीजों में मृदा जनित कीट व्याधियों से सुरक्षा मिलती है, साथ ही अंकुरण क्षमता में उसका वृद्धि होती है। समीकित विधि से खरपतवार प्रबंधन के बारे में अगर बात करें तो खेत में बीजों को बुआई के बाद मिट्टी को सूखे पुआल, पत्ते, अनुपयोगी जूट के बोरे, भूसी आदि से डलकर रखने से खरपतवार का नियंत्रण होता है, साथ ही मिट्टी में नमी बना रहती है। किसान भाइयों, फसल चक्र को अपनाना बहुत जरूरी है। एक निश्चित भूमि पर फसलों के क्रम में परिवर्तन कर लगाते हैं, जैसे कि दलहन फसलों के बाद गैर दलहन फसल लगाना, जिससे खरपतवार का नियंत्रण होता है। साथ ही
अधिक उपज वृद्धि होता है। उच्च गुणवत्ता वाला बीजों के प्रयोग करना है। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों में खरपतवार के बीज, अन्य फसल के बीज आदि मिश्रित नहीं रहते, जिससे खरपतवार की संख्या कम रहती है। खरपतवार का निष्कासन में खरपतवार के बीज बनने से पहले उसे जार से ही उखाड़ कर खेतों में ही दबा देते हैं। इसके लिए फुइल हो या कोनो इडर का प्रयोग कर सकते हैं। और सिंचाई प्रबंधन में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का प्रयोग करना है, जैसे कि टपक सिंचाई, कुंड सिंचाई, फुहारा सिंचाई, रेन पाइप आदि द्वारा कम पानी में फसलों का सिंचाई की जाती है, जिससे पानी की खपत को 25-50% तक कम किया जा सकता है। वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए। रबी फसलों की खेती के समय पानी की उपलब्धता की पूरा करने हेतु खेतों में डोभा बनाकर वर्षा जल का संचयन करना है। मेड़बंदी द्वारा वर्षा जल के बहाव को रोका जा सकता है, जिससे वर्षा जल भूमिगत होकर जल स्तर की बनाए रखता है। और न्यूनतम कर्षण क्रियाओं का प्रयोग करना है। मिट्टी को सूखे पत्ते, पुआल आदि से ढकने से खेत का पानी बाष्प बनकर नहीं उड़ पाता है और नमी का ह्रास कम होता है, जिससे बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैविक विधि द्वारा रोग एवं कीट प्रबंधन हेतु नीम एवं करंज पत्तिया का रस, दस पानी आर्क, गौमूत्र, गोबर पानी का घोल, नीम एवं करंज तेल, तंबाकू का रस, छेना पानी, टाइकोडर्मा विरिडी आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे फसलों के कीटों एवं रोगों से सुरक्षा मिलती है। और अगर हम भंडारण की बात करें तो भंडारण के दौरान कीटों से सुरक्षा हेतु बीज और अनाज को अच्छी तरह सुखा ले और नीम एवं करंज की पत्तियां को छाव में सुखाकर अनाज में मिला दे, जिससे कीटों का सुरक्षा मिलती है। बीज की भंडारण हेतु नीम एवं करंज तेल का प्रयोग 20 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से करते हैं, जिससे कीटों को अंडा देने का अवसर नहीं मिलता। किसान भाइयों, इस तरह से जैविक, प्राकृतिक और परंपरागत तरीके से खेती करके कम लागत में उच्च आय वृद्धि के साथ साथ खुद की स्वास्थ्य, पर्यावरण की स्वास्थ्य और एक परम शांति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।